स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अब तक जो भी मैंने कराया वो सब बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आया होगा। जो कि आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ये केमिकल काइनेटिक्स के जैसा है, बस कुछ बातों में डिफर करता है एंड ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर वाला ही फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था RDL देखा था, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, और उसके बेसिस पर हमने ग्राफ भी देखे थे, फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ टाइम देखा, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is 10 minute, how much time will it take, to reduce its mass from 1 gram to 0.125 gram. This is your first question, ठीक है। Question number two, decay constant of radioactive element, decay constant of radioactive element is 1.386 × 10⁻²⁺ minute. If initial activity of the sample is 200, then calculate its activity, then calculate its activity, then calculate its activity after 200 minute. देखो बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन नहीं है, और इसी टाइप के जेईई मेंस और नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो बहुत ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। If 256 gram of the element is taken in the starting, then how much of it remain undecayed after one hour, ठीक है। last question, question number four अच्छा question है और important है, ठीक है, अच्छे लेवल का बोल सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स ए जेड, ठीक है, इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट्स कन्वर्ट्स इनटू
ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट होता है, जिस तरीके से z माइनस 6 और a माइनस 12, ठीक है, आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके कांस्टेंट ऑफ एक्स इज 1.386 10^-2 मिनट इनवर्स, ठीक है, हाउ मच हीलियम विल बी कलेक्टेड इन अ क्लोज कंटेनर एट एसटीपी आफ्टर 200 मिनट इफ दे स्टार्ट विथ 16 mole of x, इफ दे स्टार्ट विथ 16 mole of x, ठीक है। चलो पहले ये तीन क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन लिख के देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इनिशियल एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल एज 1 dPs if डीके कॉन्स्टेंट ऑफ द एलिमेंट इज 6.93 इंटू 10^-2 मिनट इनवर्स, देन कैलकुलेट इट्स एक्टिविटी आफ्टर 40 मिनट, देन कैलकुलेट इट्स एक्टिविटी आफ्टर 40 मिनट, ठीक है। तो चार क्वेश्चन जो कल के हमने बेसिस से पढ़े थे, हालांकि आपको फॉर्मूला तो वही जो है सेम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो मैंने ऐसा टेक्निक बताई थी, तो पहले क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, देखो आपको क्या दिया हुआ, हाफ लाइफ दिया हुआ है और कितने टाइम के बाद इतने से इतना हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला ये कि पहले आप क्या कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करो, तो 1 / 0.125, तो दैट्स द रिवर्ट 1000 / 125, तो 8 टाइम, तो दैट्स द 2 का पावर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि t गिवन बाय t हाफ कितना होता है, n होता है, ये होता है, तो मतलब यहां से कितना हो जाएगा, n के वैल्यू 3 है, t हाफ है, तो t गिवन कितना हो जाएगा, t गिवन हो जाएगा हाफ लाइफ 10 है इनटू 3, तो 10^30 मिनट्स में इतना से इतने वो पहुंच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, d के कांस्टेंट दिया हुआ, उसका मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ, इनिशियल एक्टिविटी दिया हुआ है, इनिशियल एक्टिविटी दिया हुआ, फाइनल एक्टिविटी उसने पूछा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन पूछा है, गिवन टाइम आपको दिया हुआ, अगेन हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, यहां से हाफ लाइफ हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 1.386 इनटू 10^-2, तो यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो ये जो आता है हाफ लाइफ आएगा 50 मिनट, कितना आएगा 50 मिनट, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गिवन मिनट दिया हुआ 200/50, तो दैट्स 4, तो मुझे पता है a नॉट बाय 80 इज इक्वल टू कितना आता है 2 का पावर n, तो 2 का पावर बराबर n हो जाएगा, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80 बराबर एक्टिविटी एट टाइम t, मतलब 200 टाइम में कितना हो जाएगा, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल था 200 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4, तो दैट्स नथिंग बट ये कितना हो जाएगा 4 * 16 16 और 200,
ये जो चला जाएगा ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5। तो देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, भले क्वेश्चन बड़ा था अलग बात। अब थ्री देखो, थ्री अच्छा क्वेश्चन है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट, ठीक है। इफ 256 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज डिकेड इन द स्टार्टिंग, देन हाउ मच टाइम इट अनडिकेड आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितना अनडिकेड बच जाएगा। भाई अगेन 80 पूछा उसने, देखो हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ, हाफ लाइफ टाइम उसने कितना दिया हुआ 10 मिनट दिया हुआ, ठीक है। और टी गिवन उसने कितना दिया हुआ, टी गिवन दिया उसने 60 मिनट, ठीक है 60 मिनट दिया हुआ। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 बाय 10, तो 10 6, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80 मतलब वेट, डब्ल्यू टी कर दो, 80 की जगह क्या कर दो डब्ल्यू टी, इनिशियल वेट था 256 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6, पर 256 डिवाइडेड बाय 64, तो 10 4 ग्राम बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और अच्छे एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। आप नीट वाले क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ही इसमें बहुत ज्यादा एडवांस में भी नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। और नीट वाले देख भी लेंगे तो आप कुछ सीखोगे, कोई बड़ी बात नहीं, और आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो एक्स क्या बोल रहा है, एक्स इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल और एक्स इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, डी के कॉन्स्टेंट उसने दे दिया है, ठीक है। डी के कॉन्स्टेंट उसने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, एक्स ए जेड, तो वाई, सॉरी उल्टा कर देना मैंने, ये जेड ए, ए माइनस 12 और जेड माइनस 6, ठीक है समझे बात को। 12 से घटने का मतलब है कि पहले देखो हाउ मच हीलियम will be collected in a closed container at STP after 200 minutes if they start with 16 mole of x, मतलब t equal to 0 पे उसने कितना लिया था 16 लिया था, t equal to t पे मान लो जितना भी होगा, जैसे suppose करो 16 minus x होगा, मैंने ऐसा माना उसको, मतलब किससे, उसको मतलब हीलियम कितना कलेक्ट होगा आखिर, उसका वॉल्यूम कितना कलेक्ट होगा 2 मिनट बाद, तो समझे बात को। पहले तो डिसाइड करो कि आखिर में 1 मोल से कितना हीलियम मोल निकलेगा इसमें से। तो पहले देखो कि अगर ए 12 से घट रहा है, इसका मतलब हीलियम कितने निकलने चाहिए, अल्फा पार्टिकल कितने निकलने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक मास 4 टाइम्स घटता है, तो इसका मतलब 12 टाइम्स घट रहा है, इसका मतलब 3 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, 3 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, ये तो 100% बात श्योर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां से कितने 6 टाइम्स घट रहा है क्या एटॉमिक नंबर, तो ये मेरा बिल्कुल इक्वेशन करेक्ट है, z माइनस 6 और 3 2 प्लस 6 ये भी करेक्ट है, माइनस 12 प्लस 12 ये भी करेक्ट, तो ये इक्वेशन इसके बराबर है, ठीक है। अगर ये इतना है तो यहां से कितना बनेगा 3x बनेगा, कितना बनेगा 3x बनेगा, आई बात समझ में, ठीक है। अब कुछ नहीं, वही जो एसएस टेक्निक दिया हुआ है, हाफ लाइफ उसने कितना दिया हुआ है हाफ, अब जैसे यहां से क्या कर सकता हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकता 0.693 डिवाइडेड बाय by 1.386 10 to minus 2, तो इसके बाद ये कितना आ जाता है, इसका हाफ लाइफ आ जाएगा, इसका हाफ लाइफ आएगा 1.386 10 to minus, इसका हाफ लाइफ आएगा 50 मिनट, अगेन कितना आएगा 50 मिनट, ठीक है। n बराबर कितना था, गिवन टाइम इसने कितना दिया हुआ 200 को डिवाइड करो 50 से, दैट्स समथिंग बट 4, ठीक है। अब मुझे 80 निकालना, मतलब एट यहाँ पे कितना मोल्स बचेगा, तो एन टी बराबर कितना हो, एन नॉट कितना लिया था हमने 16 लिया था 2 बाय 2 का पावर 4 मतलब 1, तो 16 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, मतलब यहाँ पे जो बच रहा है, यहाँ पे जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 80 मतलब एट टाइम टी पे मोल्स कितने बच रहे 1 बच रहे, तो 16 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितनी होगी 15, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम हो जाएगा मेरे पास 45 और वॉल्यूम ऑफ हीलियम को कैलकुलेट करोगे एसटीपी में 45 into 22.4 लीटर, ठीक है। तो बस देखो है ना आसान, तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या हो सकते हैं पूछे जा सकते हैं, ठीक है ठीक है। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वेश्चन की, वो भी हम देख लेते हैं,
initial activity of radioactive sample is 1 dps. If the decay constant of the element is 6.93 × 10⁻² inverse, calculate its activity after 40 minutes. Again, उसने क्या दिया हुआ, लैम्डा दिया हुआ, तो टी हाफ कितना हो जाएगा मेरा 0.693 ÷ 6.93 × 10⁻², तो ये कितना हो जाता है 10 मिनट्स हो जाएगा हाफ लाइफ। तो एन हाफ एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, गिवन टाइम 40 ÷ 10, तो दैट समथिंग बट 4। तो एक्टिविटी एट टाइम टी बराबर क्या होगा, एन नॉट बाय 1/2 ⁴, तो दैट समथिंग बट 1/16 मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना डीके पर सेकंड क्या होगा निकलेगा, डीपीएस। ठीक है, डीके पर सेकंड। ठीक है, अब मैं खैर डीपीएस अब इसी में आ रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर आ रही हूँ, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम, यूनिट ऑफ रेडियो। डीपीएस मतलब होता है डीके पर सेकंड, पर सेकंड के लिए मैं पर मिनट भी ले सकता हूँ, डीके पर मिनट हो जाएगा, डीपीएम हो जाएगा, डीपीएम की जगह मैं डीपीडी भी ले लूंगा, डीके पर डे, डीके पर वीक, डीके पर मंथ, डीके पर ईयर, ऐसे भी हो सकता है। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं हम, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, तो जिसने जिसने वर्क किया उसने अपने नाम को एक यूनिट दे दिया। बस बहुत ज्यादा कुछ हमें उसमें है नहीं, कोई बहुत ज्यादा वो है नहीं टेंशन, क्योंकि देखो मेजर पार्ट तो आपका फिजिक्स में रहता है ये सब चीजें। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिकली फिजिक्स। हालांकि क्योंकि इसमें हमको क्या काम आता है, अगर गलती से आप मान लो कभी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह बनने की आपकी इच्छा होगी गलती से, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह का काम क्या होता है, वो देखता है ना कि खुदाई, वो डिस्कवरी चैनल देखा होगा, वो खुदाई वगैरह करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि भैया इस ये जो ए निकला है वो इतने साल पुराना है, ये जो फॉसिल निकला है, ये जो हड्डी निकली है डायनासोर की है कि नहीं, कितने साल पुराना डायनासोर है, तो वो सब जो एज वगैरह का आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है, और ये सब वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मदद से ही करता है। आपने देखो ट्रांसफॉर्मर वगैरह जो मूवी देखा होगा उसने देखा होगा आपने कि जो स्टोन निकला था उसमें जो स्टोन वगैरह निकलता है वो सब तुरंत पता कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया इतने साल पुराना पृथ्वी जो बनी थी उस समय का ये है, तो किसके मदद से होता है, रेडियो एक्टिविटी की मदद से किया जाता है। वही सब मैं आपको अभी समझाऊंगा कि आखिर क्या बेसिक मेथड होता है उसको निकालने का। ठीक है, डोंट वरी, हम सीखेंगे इन सब चीजों को यहाँ पे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी बन सकता है, इवन बायो वाले भी बन सकते हैं, बहुत काम आता है बायो वालों को भी। ठीक है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो पहला साइंटिस्ट था बैक्टोरल नाम था, क्या नाम था, बैक्टोरल, इसको बीक्यू से हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, बीक्यू डिनोट करते हैं, कुछ नहीं होता है, क्या डिफाइन होता है, 1 बीक्यू 1 डीके पर सेकंड को डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, 1 बीक्यू 1 डीपी पर सेकंड को डिनोट करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 1 बीक्यू इज डिफाइंड as amount of substance which show 1 dps, which show मतलब 1 disintegration per second, मतलब 1 bq बराबर कितना हो जाता है, 1 dps के बराबर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो था वो था क्यूरी, क्यूरी भी यूनिट होता है, इसको सी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, 1 CI is defined as amount of substance which show 3.7 × 10⁻¹⁰ dps। ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो 1 CI बराबर क्या होता है, 3.7 × 10⁻¹⁰ dps। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बेसिकली क्यूरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट, उस जमाने में वो पहली लेडी साइंटिस्ट थी जिसने, और देखो वो तो जब जमाना नो डाउट बहुत ज्यादा पढ़ो लिखो का नहीं था, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न कल्चर हो, तो जो मैडम क्यूरी और उसके हस्बैंड ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करना चालू किया था,
और उसने बेसिकली थोरियम लिया था, क्या लिया था, थोरियम। और थोरियम के उसने एक्सपेरिमेंट करके उसको ये मिला था कि जो थोरियम डिसइंटीग्रेट कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ पहले से फिक्स्ड है, वो ऑलरेडी पहले से गिवन रहता है, आपको पता भी रहता है। तो हाफ लाइफ चाहे यूरेनियम का हो चाहे थोरियम को, इन सब का हाफ लाइफ हमें ऑलरेडी पता है, हमें उनके एक्सपेरिमेंट्स करने जाने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है। और उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था और उसने फिर देखा था ये अपने आप में रेडिएशन जनरेट कर रहा, और उस तरीके से उसने बताया था कि, और ये उसने इनके डिस्कवरीज की थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। हालांकि स्टोरी क्या एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, हाँ फिर भी अगर कुछ पता रहेगा तो मैं आपको जरूर ऑफलाइन में बताऊंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग ऑफलाइन में मिलेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, बट फिलहाल ये समझ के रखो कि उसने थोरियम किया था, थोरियम से एक्सपेरिमेंट किया और उसने इस तरीके से एक यूनिट दी जो बन Ci बराबर 3.7 × 10^10 डीपी पर सेकंड होता है। और एक और इसकी डेफिनेशन है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वन सी आई बराबर हो सकता है, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, 1 mSi किसके बराबर होता है, 3.7 × 10^10 dps, और 1 μSi बराबर होगा 3.7 × 10^4 dps, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा ज्यादा वो रदरफोर्ड था, आरडी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब, 1 rd 10^6 dps शो करता है, ठीक है। तो 1 rd इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शो 10^6 dps, ठीक है। तो 1 rd इज इक्वल टू कितना होता है, 10^6 dps, इज दैट क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाता हूँ मैं इसी को, ठीक है। कैलकुलेट एक्टिविटी ऑफ 1 g ऑफ रेडियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास है 226, ठीक है, हाफ लाइफ 1600 ईयर्स, हैविंग हाफ लाइफ 1600 ईयर्स इन डीपीएस, ठीक है। किस में करना, डीपीएस में कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है, एक्टिविटी आपसे पूछा है, क्या पूछा है, एक्टिविटी, समझना थोड़ा ध्यान से ध्यान से, ठीक है। एक्टिविटी पूछा है, इसका मतलब एक तरीके से क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछा, मतलब dN/dt। तो ये कभी भी याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, दैट्स नथिंग बट -dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा एन, क्या यूज होता है, -dN/dt इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है, लैम्डा एन, ठीक है। अब -dN/dt तो उसने पूछा है एक्टिविटी, रेट ऑफ एक्टिविटी, लैम्डा की वैल्यू हाफ लाइफ का मतलब 0.693 डिवाइडेड बाय कितना 1600, ठीक है, ईयर्स में दिया हुआ, क्योंकि आप डीपीएस है तो पर सेकंड में पूछा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो किस में, डेज में, डेज में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, 86400, हाँ इतना है, एक दिन में इतने सेकंड्स होते तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब एन को आप क्या करोगे, एन को देखो आपको क्या करना, नंबर ऑफ एटम के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो दिया उसने क्या हुआ, 1, उसको डिवाइड कर दिया 226 और इनटू 6.023 × 10^23। एक्टिविटी हमेशा एक एटम के लिए डिफाइन होता है, ना कि एक मोल के लिए डिफाइन होता है, कभी भी याद रखना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर एटम भी बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एटम के लिए डिफाइन होता है, याद रखना, या न्यूक्लियॉन्स के लिए डिफाइन, कभी मोल्स के लिए डिफाइन नहीं होता। तो जो भी होगा गिवन डाटा उसको में आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है 3.7 × 10^10 dps। तो यही डेफिनेशन सेकंड एक बार एंट्रेंस में पूछा था, किसमें, तो पहले एग्जाम जेई में ही पूछा था। तो याद रखना, जब 1 g ऑफ रेडियम को, ठीक है, 1 g ऑफ रेडियम को डिसइंटीग्रेट किया, जिसका हाफ लाइफ 16 ईयर है,
तो उसका मतलब बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि वन क्यूरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑब्टेंड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ रेडियम हैविंग हाफ लाइफ 1600 ईयर्स। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है, समझ में आई बात। तो ये कभी कभी आप हो सकता है दूसरे तरीके से डेफिनेशन पूछ सकते हैं इंटरेस्ट में, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो कभी एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करो बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ C14। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ C14, हाफ लाइफ जिसका दिया हुआ आपका 5770 ईयर्स, हाफ लाइफ दिया 5770, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्टिविटी ऑफ 2 mCi। ठीक है, एक्टिविटी के उसने वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एन। एक्टिविटी के वैल्यू से क्या दिया है 2 mCi, मतलब क्या होगा 2 × 10⁻ mCi को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.7 × 10⁻², ये डीपीएस में कन्वर्ट हो गया। लैम्डा के वैल्यू से कितना दिया है 0.693 डिवाइडेड बाय 5770 ईयर, से तो 365 इंटू क्या करूंगा 86400 इंटू। ठीक है, उसे किसी को जैसे C14 का मास पूछा है, तो W बाय 14 × 6.023 × 10³। ये वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट बताओ, दैट विल बी योर आंसर। तो देखो बहुत आसान है, कभी भी यूनिट वाले में क्वेश्चन मैरी क्यूरी वगैरह में, मतलब क्यूरी वगैरह में अगर डीपीएस वगैरह दिया हुआ है और कभी भी आपका एक्टिविटी पूछा जाए, तो हमेशा आप फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से आप जाके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो ये जो था आपका वो था आपका यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने जो चीज पढ़ी खाली इसी को समझने के लिए पढ़ी थी कि आखिर इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, पहला एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ, पहला एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ रॉक, अर्थ, मिनरल। ठीक है, आखिर किसी जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कैसे किसी रॉक का मतलब देखते हैं, कोई भी मूर्ति मिलती है तो उसके पहले छोटा सा एक पार्टिकल लेते हैं, फिर वो बता देते भैया ये मूर्ति इतने साल पुरानी है, खुदाई करने पर ये मुझे मम्मी मम्मी का वो मिला, मम्मी मिली, वो मम्मी इसकी कितनी पुरानी है। ठीक है, देखते हो ना, जेप वगैरह में बहुत आपको आर्कियोलॉजिस्ट मिलेंगे जो पुराने पुराने चीजें खोदते रहते हैं, और एंटिक और उनकी काफी वैल्यूज भी होती है, म्यूजियम वगैरह में काफी महंगे बिकते हैं वो। तो एक्चुअली इनका अपना एक मेथड होता है, ठीक है, उस मेथड को बोलते हैं यूपीबी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीबी मेथड, यूरेनियम लेड मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरेनियम लेड मेथड। इसमें क्या होता है, अब जैसे देखो, एक्चुअली सर पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको फिर समझाता हूँ। इट इज डिटरमाइंड बाय यूरेनियम, इट इज डिटरमाइंड बाय यूरेनियम लेड मेथड, इट इज डिटरमाइंड बाय यूरेनियम लेड मेथड, इन विच इट इज अज्यूम्ड दैट, इन विच इट इज assumed
had present in sample, present in sample is produced, produced because of uranium, is produced because of uranium. ठीक है, अब होता क्या है, जैसे सपोज करो यूरेनियम, अब समझाता हूं मैं, अब क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो रिएक्शन समझो, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जब डीके करता है तो क्या देता है आपको, लेड, लेड 82207 ये आपको मिलता है। ठीक है, अब ये इतना होगा तो कितने, अब देखो ये इस तरीके से यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो जाता है, समझो कितना का डिफरेंस हो रहा है, यहां से जा रहा है 35 और 7 28, तो मतलब 7 हीलियम। ठीक है, 7 हीलियम आना चाहिए, लेकिन चेंज कितना होना चाहिए 14 का, बट चेंज कितना हो रहा है 10 का, इसका मतलब 4 बीटा पार्टिकल भी निकला होगा इसके साथ, पहला प्रेडिक्शन तो ये करते हैं वो। ठीक है, अब समझो, अब वो जो जो आपको रॉक मिला, उस रॉक में ये एक लेड का सैंपल कलेक्ट करता है। ठीक है, एक रॉक का सैंपल कलेक्ट किया, उसमें उसने उन्होंने क्या दिया, एक लेड की क्वांटिटीज ने भी, पहले तो ये ज़ूम कर लेते हैं कि भैया ये जो भी लेड होगा वो यूरेनियम से ही बना होगा, मतलब जो भी पुराना, जो इनिशियल जब ये बना होगी, पृथ्वी बनी होगी, उसमें ये ऐसा मान के चलते कि पूरी पृथ्वी यूरेनियम की थी, उसमें बम्बार्डमेंट हुआ, फिर वगैरह ये क्या बने, फिर जीव जंतु बने। ठीक है, तो पहले तो ये मानते थे जो भी ये रॉक वगैरह होगा, रॉक्स में जो यूरेनियम होगा वो यूरेनियम कन्वर्ट हो गया लेड में, और ये लेड जो भी सैंपल में बन रहा है वो पूरा का पूरा लेड इसी यूरेनियम से बना होगा, जो इनिशियली मेरे पास जो जब रॉक जिन रॉक बना होगा, जब वो रॉक या पृथ्वी बनी होगी इस तरीके से। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, लेट जैसे सपोज करो टी इक्वल टू जीरो पे वो एन नॉट मानते हैं। ठीक है भाई, और टी इक्वल टू टी पे क्या मानेंगे, एन नॉट माइनस एन मानेंगे, एन नॉट माइनस क्या मानेंगे, एन। तो जब ये एन होगा तो ये भी कितना होगा, एन होगा, ये कितना एन होगा, ये कितना होगा, 7n। कल बीटा पार्टिकल से तो मेरे मतलब ना कभी इन पे कोई चर्चा होती है, तो ये अगर एन है तो ये कितना होगा, 7n होगा। ये कुछ इसी तरीके से है, या तो इसको मैं वेट दे दूं, ठीक है, w नॉट, और यहां से मैं क्या कर दूं, यहां पे मैं क्या कर दूं w1, और यहां पे क्या कर दूं w2, यहां पे क्या कर दूं w1, और यहां पे क्या कर दूं w2। तो क्वेश्चन आपसे क्या दे, या तो आपको डायरेक्ट लेड का दिया जाएगा, और या तो आपको यूरेनियम का दिया जाएगा। आपसे हो सकता है टाइम पूछे कि कितने टाइम में इतने ग्राम से इतने ग्राम हो चुका है, या तो आपसे दिया जाएगा कि भैया n नॉट मतलब यूरेनियम इतना बचा है और लेड इतना मुझे मिला है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, इसको भी आपको क्या करना है, W1 by 235 कर देना इसको, और W2 by इसको कितना कर देना, 207। तो भी ये W1 by 235 किसके बराबर होगा, N0 minus N के बराबर मानना, और इसको N के बराबर मानना। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका भी यही लगेगा, lambda 1 by T ln, ऊपर में कितना बच रहा है, ऊपर में N N0 बच रहा था इनिशियल, और N0 minus N। ठीक है, यही फॉर्मूला लगता है। अब इसको कन्वर्ट कर दो, इसको क्या मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 by T ln n not minus n plus n by n not minus n। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगेगा आपका एज निकालने के लिए, ln n not n by sorry 1 plus n by n not minus n। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लिया या एटम्स ऑफ यूरेनियम बचे हुए हैं, या लेड का जो बचा हुआ, या वेट, जो वेट को कन्वर्ट कर देना नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स में। ठीक है, तो ये तरीके से क्या होता है, मेथड होता है यूरेनियम लेड मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, आपने ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छी मूवी है, नहीं भी होगी तो मैं तो एक बार रिकमेंड करूँगा, एक बार देखिए आप उनको, उसमें क्या होता है, उसमें ऑलरेडी वो डिस्कस करता है कि उसको उनको एक स्टोन मिलता है जो एलियन के जमाने का होता है। ठीक है, जब मतलब स्टोन एज का होता है वो, उस इस स्टोन से वो क्या करते हैं, पूरा एज निकाल डालते हैं। ठीक है, तो वो इसी मेथड से करते हैं, उसमें जो लेड सैंपल होता है पहले मान लेते हैं यूरेनियम से निकला होगा, और बीच एट गिवन टाइम टुडे, मतलब ये जो टाइम होगा टुडे होगा, टुडे टाइम, ठीक है, ये टुडे, और ये टी नॉट मतलब जब बना होगा उस समय का, तो उस समय से यहाँ से तक का हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका, ए गिवन सैंपल ऑफ रॉक, ए गिवन सैंपल ऑफ रॉक, ए गिवन सैंपल ऑफ रॉक कंटेन
4.7 ग्राम ऑफ यूरेनियम 92-235, ठीक है। इफ टी हाफ ऑफ यूरेनियम 92-235 इज 1.44 × 10⁻¹ ईयर्स, 1.44 × 10⁻¹, देन कैलकुलेट एज ऑफ रॉक सैंपल का आपको क्या करना है, एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो उसने क्या दिया हुआ है, गिवन सैंपल रॉक 4.14 लेड कंटेन कर रहा है, 4.74 ग्राम। तो मतलब पहले देखो n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू कितने हो जाएगी, पहले तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4.7, ठीक है, 4.14 ग्राम ऑफ लेड, 4.14 ग्राम ऑफ लेड है, और उसका जो मास होता है वो मास कितना होता है, 207 होता है, ठीक है। तो ये कितने में कन्वर्ट हो गया, 0.02 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मैं अगर बात करूं एन नॉट माइनस एन, जो भी बचा हुआ जो यूरेनियम देगा उसका मतलब क्या दिया हुआ कि उस टाइम पे यूरेनियम इतना बच रहा है, तो यूरेनियम कितना बच रहा है, 4.7 डिवाइडेड बाय 235, तो ये भी अगेन 0.02। तो मुझे पता है लैम्डा बराबर 1/T ln 1 + n बाय एन नॉट माइनस एन, ठीक है। हाँ ठीक, अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ मोल कुछ भी मान, अगर एन से भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी आने आने क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो भी आपका वैल्यू यही मिलेगा, ठीक है। तो नो नीड टू एन को कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा ln 2 by 1.44 × 10⁹, 1/T ln। अब मुझे पता है 1 + 0.02 by 0.02 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ln 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो टाइम बराबर कितना, 1.44 × 10⁹। यस, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रॉक सैंपल का निकाल सकते हैं। तो जो लेड का दिया वो ऊपर रखना, जो यूरेनियम का दिया वो नीचे रखना, रहा है फॉर्मूला, बेस्ट क्वेश्चन आते खत्म, भरा इतना ही हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल ऑब्लिक वुडन आर्टिकल, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, क्या बोलते हैं हम, रेडियो कार्बन डेटिंग, ये मेथड होता है। चलो खैर ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, ये इसके बाद आपका ये चैप्टर आ चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो कुछ नहीं होता है, जैसे अपर अर्थ लेयर में क्या होता है, समझना बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है, आपको तो पता है नाइट्रोजन का ज्यादा कंटेंट होता है एयर में, ठीक है, तो 714, तो वहां पे अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कॉस्मिक रेज, ऑब्वियस बात है सन तो हर रेज प्रोड्यूस करता है, कॉस्मिक रेज जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, द मेजर सोर्स ऑफ सन, मेजर सोर्स कौन है, सन है उसका मेजर सोर्स, तो कॉस्मिक रेज जो वहां से निकलती है उसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, हैवली बम्बार्ड करते हैं नाइट्रोजन के साथ, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज के द्वारा जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो बम्बार्ड करता है नाइट्रोजन के साथ, और ये जो बनाता है, और फिर ये जो बना देता है आपको, ये बनाता है आपका C14 plus 6, ठीक है, और साथ में आपको क्या दे देता है, हाइड्रोजन दे देता है, क्या देता है, एक हाइड्रोजन देता है। अब ये जो कार्बन, क्योंकि नॉट आउट C14 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और C14CO2 बनाता है, क्या बनाता है, C14CO2। अब आपको पता है ये C14CO2 कौन इनहेल करता है, प्लांट्स इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट्स इनहेल करते हैं, तो फिर अब क्या होता है, प्लांट्स इनहेल करता है तो दोनों CO2 इनहेल करता है, C12CO2 भी इनहेल करेगा वो, और C14CO2 भी इनहेल करेगा, ठीक है। अब
होता है कैसा, हम जब बात को सर बोले कि सर अब इससे एज का मतलब कैसे, भाई एज कैसे निकाले किसी भी वुडन आर्टिकल का, कैसे आप एज निकालोगे? जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करो ये लकड़ी है, किसी लकड़ी से, मैं सपोज करो ये सागवान की लकड़ी से बना हुआ, ठीक है, तो इसमें से सैंपल लेंगे, ये सैंपल लेंगे तो हर प्लांट्स में जो जिंदा प्लांट्स होता है ना उसमें C14:C12 का जो रेशियो होता है 1:10^12 का रेशियो होता है, कितना होता है 1:10^12 का रेशियो होता है, ये हमेशा रेशियो रहेगा, मतलब ये CO2 का, ये C और ये C का जो रेशियो होता है लिविंग में वो हमेशा रहता है। अब प्लांट अगर मर गया तो ऑब्वियस बात है ये CO2 तो कभी इनहेल नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो C का C14 उसमें बच गया, ये पहले भी डीके कर रहा था बाद में भी डीके करेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक बार ये C14 CO2 इनहेल किया, मतलब कार्बन का, कार्बन C14 के अंदर आया, मतलब C14 अब उसमें कैसे डीके करेगा, C14 डीके करेगा ये कुछ इस तरीके से, ये करता है नाइट्रोजन 714 प्लस बीटा माइनस 1 0, ठीक है, ये इस तरीके से क्या कहता है डीके करते रहता है, ठीक है। अब ये तो हमेशा डीके करता रहेगा जब, अगर प्लांट जिंदा हो या मर हो, प्लांट जिंदा होने का मतलब क्या है कि जब वो पेड़ के फॉर्म में था, लेकिन जब आप उसको कट कर दिए और उसको कुछ शेप दे दिए, कुछ भी आर्टिकल आपने वुडन आर्टिकल उसको बना दिया, तो वो प्लांट मर चुका है। हाँ, भले उसमें C12 का रेशियो 0 हो जाएगा, मतलब ना के बराबर हो गया, मतलब ये बिल्कुल कम होता जाएगा और C14 क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब वो CO2 तो इनहेल नहीं कर रहा, C12 C, क्योंकि देखो आपको पता है, जैसे फिर से समझा रहा हूं, ये C14 बना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है C14 CO2 बनाता है, और CO2 12, ये दोनों CO2 रहते हैं, प्लांट दोनों इनहेल करता है, प्लांट दोनों इनहेल करता है, कैसे इनहेल करता है आपको पता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के मेथड से CO2 क्या करता है, वो इनहेल करता है, ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में। अब क्या होता है, दोनों CO2 का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जब तक वो जिंदा है तब तक ये रेशियो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे आपने उसको कट कर दिया, जैसे कट करेगा तो ये धीरे धीरे घटते जाएगा, तो ये C14 के अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो अब बढ़ते जाएगा, बट एक, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि C14 ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो डीके जिंदा में भी करेगा, मरने के बाद भी करेगा, भले कम अमाउंट में जिंदा में करेगा, मरने के बाद अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में डीके होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में डीके, मतलब उसका कोई रेडिएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इस रेडिएशन से बीटा पार्टिकल निकलते रहेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाती है, दूसरी बात ऐसा हो जाती है कि अगर बहुत ज्यादा पुराना है लकड़ी, बहुत ही पुराना लकड़ी है, तो ये जो अमाउंट होगा वो घटते जाता है, एक समय के बाद ये क्या होता है, इसका इसको ट्रेस करना बहुत नामुमकिन होता है, ठीक है, और क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये निकालते हैं एज निकालते हैं, फॉर्मूला अगेन वही है, लैम्डा बराबर 1/T, ठीक है, ln, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा एमिशन, इसी एमिशन को क्या बोलते हैं, बीटा एमिटर बोला जाता है, बीटा एमिटर भी बोलते हैं या बीटा एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा एक्टिविटी, तो ln बीटा एक्टिविटी, बीटा एक्टिविटी वुडन आर्टिकल डिवाइडेड बाय, सॉरी, लिविंग में कम रहेगा ना, बीटा लिविंग अपॉन बीटा एक्टिविटी ऑफ वुडन आर्टिकल, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है, तो लैम्डा बराबर 1/T ln C14, ठीक है, लिविंग में कितना होगा डिवाइडेड बाय C14 वुडन आर्टिकल में कितना होगा, तो C14 के रेशियो में भी आपको दे सकता है, या बीटा एमिटर के रेशियो में भी आपको दे सकता है, वो कुछ भी तरीके से दे सकता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन में करा दूंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाए, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, फिर आपका चैप्टर खत्म। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया ऐसा समझो, जो बड़ी वैल्यू की ऊपर रखना, जो छोटी वैल्यू की वो नीचे रखना, ये भी एक लॉजिक में समझ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि बीटा एक्टिविटी ऑफ C14 शोन बाय अ लिविंग प्लांट 40 dpm, shown by living plus 40 dpm beta activity of
एंड बीटा एक्टिविटी ऑफ C14 इन अ गिवन सैंपल ऑफ वुडन आर्टिकल इज 10 dpm is 10 dpm if t half of c14 is 6000 years if t half of c14 is 6000 years then calculate age of wooden आर्टिकल देन कैलकुलेट एज ऑफ वुडन आर्टिकल कुछ नहीं करना लैम्डा उसने दिया हुआ है वही फार्मूला लैम्डा बराबर 1 बाय टी एलएन सी 14 लिविंग और लिविंग आर्टिकल बाय सी 14 वुडन आर्टिकल ठीक है तो लैम्डा बराबर एलएन 2 बाय कितना हो जाएगा 6000 * 1 बाय टी टुडे का टाइम निकालना एलएन ठीक है सी 14 में कितना 40 डीपी पर डीपीएम है और इसमें कितना दिया हुआ है आर्टिकल में 10 तो ये कितना हो जाएगा 4 तो ये कितना हो जाएगा 1 by t twice of ln 2 तो this cancel तो टाइम कितना हो जाएगा 12000 years तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सो यहां से हमारा टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म होता है ठीक है थोड़े बहुत क्वेश्चन आप अवस्थी के बना सकते हैं बट बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं क्योंकि लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर किसी भी एंट्रेंस हां सीटी वगैरह में खैर आपसे पूछे जा सकता है बट ठीक है उतना हमने क्या दिया कि हम सीटी वगैरह के क्वेश्चन या मेंस वगैरह अच्छा एडवांस के क्वेश्चन बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो काफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है